हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो अगर आप ये मेकअप लुक देखना चाहते हैं तो मैंने जस्ट अभी अभी शेयर किया अपने चैनल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और दूसरा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू इन कलर का मैक्सी ब्लैक पेन आईलाइनर का। मैं बहुत दिनों से आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर अ गुड अफोर्डेबल पेन आईलाइनर, तो सडनली मुझे ये मिल गया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये है इन कलर का मैक्सी ब्लैक अल्टीमेट मैक्सिमम ब्लैक आईलाइनर, और ये ऑनलाइन आपको बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स में मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा, मैंने अभी हाल ही में देखा फ्लिपकार्ट में 210 का है, कहीं पे मिंत्रा पे आई थिंक 250 का है, बट मैंने ये मार्केट से लिया है, ऑनलाइन नहीं लिया है, इसलिए मुझे ये 295 का मिला है। शायद तो मैंने काफ़ी सामान लिया था तो थोड़ा बहुत मुझे उन्होंने डिस्काउंट दे दिया था। लेकिन मतलब आप कहने का मतलब है कि आपको ऑनलाइन अच्छे डिस्काउंट्स इस पे मिल सकते हैं। तो ये रही इसके प्राइस की बात, अब हम देखते हैं इसका। ये देखो, ये है इसकी टिप। मुझे एक्चुअली पेन आईलाइनर्स इसलिए अच्छे लगते हैं, इतने इजी टू यूज़ होते हैं, बस आपको बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो। जो मैंने अभी आप ये मेकअप लुक शेयर की है आपके साथ, उसमें मैंने यही यूज़ किया है और ये मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा। मैंने कल भी ये यूज़ किया था और जब रात को मैंने फेस वॉश किया तो ये इजीली निकल गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पिगमेंटेशन कैसी है। ये देखिए आप, यहाँ करके दिखाती हूँ, सी हाउ ब्लैक इट इज। बहुत अच्छे पिगमेंटेशन है, बहुत ही ब्लैक है, डार्क ब्लैक कलर है। यही कलर एक्चुअली मैं तलाश कर रही थी, यही मुझे चाहिए था। वैसे दूसरे लिक्विड आईलाइनर्स में तो खैर मिल जाते हैं, बट मुझे पेन आईलाइनर में थोड़ा सा था। तो मेरे पास एक पहले था, मिनिसो का था वो पेन आईलाइनर, बट वो बहुत जल्दी मतलब इतना उसमें पिगमेंटेशन नहीं थी, इतना ब्लैक नहीं था, लगाने में इतना ब्लैक नहीं लगता था। अभी मैंने ये देखो यही वाला लगाया है, ठीक है। तो मैं, हो सकता है कि मैं वो वाली जो क्लिप, जो मेरी पिछली वीडियो की एक क्लिप है जिसमें मैंने ये लगाया है, वो मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी, सो दैट आपको पता चल जाए कि ये आईज पे भी कैसा लगता है। तो ये हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं आपको ये ज़रूर, अगर आप चाहते हैं पेन आईलाइनर लेना तो गो फॉर इट। कोई इतना खास महंगा भी नहीं है, अफोर्डेबल है और बहुत इजी टू यूज़ है। बहुत अच्छी इसकी टिप है और पिगमेंटेशन आपने इसकी देख ही ली है, और मुझे जहाँ तक लगता भी है थोड़ी देर के बाद जो है ड्राई होने के बाद मुझे ये वाटरप्रूफ लगा एक्चुअली, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी गीला है, थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो तब मैंने इसको स्मज करके देखा था, तो ये स्मज नहीं होता, स्मज प्रूफ लगता है मुझे और वाटरप्रूफ लगता है मुझे। आगे पता नहीं, अभी मैंने कल ही ट्राई किया है इसको और आज मैं इसका रिव्यू आपके साथ कर रही हूँ, और आज मैंने यही लगाया हुआ है अपने मेकअप ट्यूटोरियल में, मैंने यही लगाया था। तो यस, यू कैन चेक आउट, आप मेरी वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। तो आज का मेरा रिव्यू बस इतना सा ही था कि अगर आप अच्छा कोई पेन आईलाइनर ढूंढ रहे हैं तो गो फॉर इट, डेफिनेटली बहुत अफोर्डेबल है। तो गाइज, इसमें मैं वही जो आपके साथ अभी शेयर किया, वही जो का आईलाइनर है, उससे मैं एक विंग आईलाइनर बना रही हूँ। आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि कितना हाईली पिगमेंटेड है ये और कितना स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा इजी टू हैंडल आईलाइनर है ये। तो ये मैं अपने एक क्लिप जो है अपने उस ट्यूटोरियल से, वो वाली क्लिप जो है, इसके साथ मैंने अटैच किया, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए। तो यस, आपको अगर ये ज़रा सी भी अच्छी लगी हो वीडियो, डू लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टेक केयर, बाय बाय।